बट पिज़्ज़ा के साथ करते हैं ट्राई। इसमें से आप नूडल निकाल लो तो आप ये रोटी के साथ खा सकते हो। ओए थिन क्रस्ट। देखो बात है कुछ ऐसी, आज के वीडियो में रीति रिवाज नहीं हो पाएगा क्योंकि मैं कमेंट सेलेक्ट नहीं कर पाया। मेरा लास्ट वीडियो भी मंडे को ही रात को अपलोड हुआ, वेंसडे को मैं शूट कर रहा हूँ। ऊपर मेरे मेन सेटअप में रेनोवेशन चल रहा है तो मुझे वक्त नहीं मिल पाया कमेंट सेलेक्ट करने का। तो आज की वीडियो में आप रीति रिवाज के लिए कोई भी क्वेश्चन पुटअप मत करना क्योंकि मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में वही क्वेश्चन लूंगा जो मेरे लास्ट मंडे वाले वीडियो में मुझसे पूछे गए थे। एनीवे मूविंग अहेड, अ बिग शाउट आउट टू सॉक्स सोहो, थैंक यू सो मच फॉर सेंडिंग मी दिस। सो आप में से काफ़ी लोगों को पता है कि मैं एक्सेसरीज ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ, बट जितनी भी करता हूँ उन पे मैं बहुत ज़्यादा ध्यान देता हूँ। और सॉक्स मेरे हिसाब से एक ऐसी चीज़ है जो आपके ओवरऑल लुक को बहुत ही ज़्यादा एनहांस कर देती है। मैंने नोटिस किया है कि बहुत लोग अपने सॉक्स को एकदम ही नेगलेक्ट कर देते हैं, बट अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं बहुत ज़्यादा ध्यान देता हूँ इस डिपार्टमेंट में। एंड दीज प्रीमियम डिजाइनर सॉक्स आर परफेक्ट फॉर मी। सॉक्स सोहो इज अ प्रीमियम डिजाइनर सॉक ब्रांड फॉर मेन एंड देयर सॉक्स आर डिजाइन टू गिव द कम्फर्ट योर फीट डिजर्व्स। मोर ओवर दीज लग्जरी सॉक्स आर क्राफ्टेड फ्रॉम द वर्ल्ड्स फाइनेस्ट कोम कॉटन एंड स्कॉटिश लाइल कॉटन। लॉन्च्ड इन 2019, सॉक्स सोहो हैज बिकम अ हाउसहोल्ड नेम। इन फैक्ट सम ऑफ द बिगेस्ट बॉलीवुड सेलिब्रिटीज एंड टॉप सीईओज ऑफ द वर्ल्ड आर ऑफन स्पॉटेड इन सॉक्स सोहो सॉक्स। All products of Sock Soho come in premium gift boxes made with perfection. Whether your style is classic, funky, casual or quirky, Sock Soho socks make the best gift for 21st century men. और जितनी भी female audience इस video को देख रही है, I think this might be a perfect gift for your father, brother, husband or your boyfriend. इसका link मैं नीचे description box में आपको दे दूंगा, साथ ही साथ अपना coupon code भी दे दूंगा जिससे use करके आपको 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच सॉक्स सोहो फॉर सेंडिंग मी दिस, आई एम लविंग इट। और रही बात आज की वीडियो की तो फटाफट से करते हैं ऑर्डर। सो बंगलो है एक रेस्टोरेंट एंड बार इन देहरादून जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है, बट मैं कभी गया नहीं हूँ यहाँ और इसका खाना भी मैं आज फर्स्ट टाइम ही ट्राई करने वाला हूँ। आप लोगों को अच्छे से पता है कि अगर खाने की पैकेजिंग अच्छी है तो वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आती है। इसकी पैकेजिंग इतनी बढ़िया की गई है कि मेरा ऐसे ही दिल खुश हो चुका है। बरीटो बोल हो गया, दही के कबाब हो गए, ये मैं आज फर्स्ट टाइम ट्राई करने वाला हूँ। तो बंगलो से मैंने फर्स्ट आइटम ऑर्डर कर रखा है चार्ड फ्लैट नूडल्स विद मशरूम। फ्लैट नूडल्स प्रिपेयर्ड इन द लो मीन स्टाइल विद वाइल्ड मशरूम्स एंड फ्राइड टोफू। चिपोटले बरीटो बोल वेज काबो इंस्पायर्ड बोल लेड विद राइस बीन्स वेजीज चीज एंड ग्रिल पनीर। राइट साइड में है मेरे पास नाचोज दही के कबाब, अ ट्विस्ट टू द टेस्ट फॉर दिस योगर्ट कबाब मस्ट ट्राई। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट बंगलो मार्गरीटा पिज्जा 11 इंचेस, टोमेटो सॉस, मोज़रेला, पॉकनचीनी एंड बेसिल। फटाफट से करते हैं अपनी परंपरा से स्टार्ट। पिज्जा आपको सामने से दिख नहीं रहा होगा तो मैं यहीं से क्लोजअप दे देता हूँ। बहुत ही ज़्यादा गजब ग्रीसी और थिन क्रस्ट है ये। थैंक यू सो मच गॉड फॉर दिस फूड एंड फॉर एवरीथिंग एल्स। मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा
इसको गरम करवा के देखते हैं। पिज़्ज़ा को मैंने थोड़ा सा गरम किया है और इसमें से अब इतनी ज़्यादा प्यारी खुशबू आ रही है जिसका हिसाब नहीं है। नाचोस दही के कबाब ट्राई करते हैं। चार अलग अलग तरह की चटनियाँ दे रखी हैं। ये वाली बहुत ज़्यादा स्पाइसी है। एक काम करते हैं, इसको इधर करते हैं। बरीडो बोल को मैं गर्म करने के लिए ले जा रहा था बट हादसा हो गया बीच में। एक जितनी अच्छी तरह से उन्होंने मेरे को भेजा था ये, उतने ही बुरे हाल में इसके कर चुका हूँ। एनीवे इट इज़ व्हाट इट इज़। इसे मैं ऐड में खाऊंगा, भले ही गिर गया है लेकिन बहुत ही ज़्यादा गजब हो रहा है। ब्रोकली, मशरूम, मज़ा आ गया। फ्लैट नूडल्स हो रहे हैं बस, अब पिज़्ज़ा के साथ करते हैं ट्राई। पिज़्ज़ा के साथ ये बहुत ही ज़्यादा गजब लग रहा है बट पिज़्ज़ा का टेस्ट ख़त्म हो जा रहा है। ओरिगेनो सीजनिंग पिज़्ज़ा के लिए थी बट पिज़्ज़ा मुझे इन सब चीज़ों के बिना ही पसंद है। इसको डालते हैं इसमें। मुझे हल्का हल्का सा कोल्ड हो रखा था वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अब सब कोल्ड सब ऐसा खुल चुका है। तो दही के कबाब
मैंने कभी नहीं सोचा था कि थिन क्रश पिज़्ज़ा खा के मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लगेगा। देखो डेफिनेटली थोड़ा सा प्राइसी है साइड में, ये भी 400 समथिंग का है, ये भी 400 तक का है, ये भी बेबी कॉर्न। जैसे आप कोई भी एक चीज़ मंगाओगे और तो वो आपका पेट ना भरे, बट आपको एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलने वाला है। इसमें इतनी सारी वेजिटेबल्स डाल रखे हैं ना, इसमें से आप नूडल निकाल लो तो आप ये रोटी के साथ खा सकते हो। ऑल दो लिखा सिर्फ मशरूम है, बट मशरूम के साथ साथ पता नहीं थिन क्रस्ट, थिन क्रस्ट से मुझे और कुछ दिक्कत नहीं है, बस ये ठंडा होने के बाद चबाया नहीं जाता। इसके बाद चीज़ डिप होता वो सब्ज़ी नूडल्स बहुत ज़्यादा हैवी था, और तो मिर्च बहुत ज़्यादा लग रही है, बट मज़ा भी आ रहा पहले की हालत आपको याद होगी और ये हालत इसकी अब है भाई, ये इतना हैवी है तो हाथों से उठाना पड़ा है। के अंदर मुझे चीज का टेस्ट आया भाई साहब, आत्मा तृप्त हो गई। इसमें इतनी सारी वेजिटेबल्स खा के ना दिमाग सा खराब हो गया था मेरा। पता नहीं ये पनीर है या टोफू है, इसमें इतने सारे फ्लेवर्स हैं समझ नहीं आ रहा कि क्या है। ओए हाँ भागे जा रहा तो मैं तो अगर रीति रिवाज आज की वीडियो में होता भी तो शायद से मैं नहीं कर पाता उसे, क्योंकि ये सभी आइटम्स मेरे लिए इतने नए थे ना पिज़्ज़ा को छोड़ के कि मैं इनको एंजॉय करने में लगा हुआ था। ग्रीक योगर्ट है शायद से, कोई पेट प्रमोशन नहीं है, खाने में मज़ा आ गया।
पिज्जा को कोक में डुबा के खा लूँ क्या? नहीं, देखो खाना आता है, मैं उसे फिल्म करता हूँ, कुछ उसके क्लोजअप्स लेता हूँ, अच्छे से टेबल पे प्रेजेंटेबल बनाता हूँ, इन सब चीज़ों में खाना ठंडा हो जाता है। और उसे आप वापस रीहीट करो ना, तो वो बात नहीं रह जाती जो ओरिजिनल में होती है। बट आई एम प्रीटी श्योर कि अब मैं बंगलों में जाके ये पिज़्ज़ा दोबारा से ऑर्डर करने वाला हूँ और वहीं खाऊँगा आराम से गर्मा गर्म। बाकी आई गेस दिस इज इट फॉर टुडे। आई होप यू गाइज एंजॉय टुडेज वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप स्माइलिंग एंड आई विल कैच यू गाइज ऑन द नेक्स्ट वन। पीस। और हाँ, रीति रिवाज होगा अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।